ये जनपद गाजीपुर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 22 तारीख को प्रातःकालीन थाना खानपुर के अंतर्गत रमापुर ग्राम समाज स्कूल के पास एक अजय यादव नवयुवक जो बवनौली कला के निवासी थे, गोली उनके सर में लगी हुई थी। उनके पास से 2 पिस्टल्स मिली थी और उनकी सांसें चल रही थी। उनको तत्काल सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाया और उनके परिजनों को सूचना दी। उसके बाद बनारस सैदपुर से बनारस ट्रॉमा सेंटर उनको रेफर किया गया जहां पर उनकी मौत हो गई। तहकीकात से, परिजनों से बातचीत से पता चला कि श्री अजय यादव पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे जनपद अमेठी में नियुक्त थे और यहाँ पे अवकाश पे आए हुए थे। उनके परिजनों ने उनके हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात लोगों के विरुद्ध उसी दिन अभियोग पंजीकृत कराया था। प्रातःकाल जब वो घर से निकले थे तो किसी ने कॉल किया था। उस कॉल का डिटेल लिया गया तो पता चला एक पास के ही गांव की इचवल की एक लड़की थी जिसकी कॉल थी, और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 2018 में उन्होंने उससे शादी कर ली थी, पता नहीं चला। 23 तारीख को प्रातःकालीन लड़की के अपने ही घर से सटे हुए अहाते की दीवार से डेड बॉडी मिली। उनके पिता ने सूचना दी, उस पर मौके पे पुलिस गई। जिस स्थान पे डेड बॉडी मिली थी उस स्थान की पहले छानबीन की जा चुकी थी, खोजबीन की जा चुकी थी। वहाँ पर 22 तारीख को कोई अवशेष इस प्रकार का नहीं था। इससे ये पता चला कि डेड बॉडी बाद में 22/23 की मॉर्निंग में उसको वहाँ पे प्लाट किया गया है। डेड बॉडी जो बालिका की थी वो चादर से लिपटी हुई थी और उसके पास ही मृतक अजय यादव जिनकी 22 तारीख को गोली लगी थी, मृत्यु हुई थी, उनकी चप्पल वहाँ से बरामद हुई। पूरी टीमों ने तहकीकात किया और जो कॉल डिटेल्स थी, जो SMS थी मृतक अजय यादव के टेलीफोन का, लड़की के टेलीफोन का, उनके परिजनों के टेलीफोन का, सारा इन्वेस्टिगेशन SPCT गाजीपुर के नेतृत्व में किया टीम ने। और यह खुलासा किया कि उस लड़की के परिजनों ने ही इनको बुलाया और घर पर जब पहुंचे तो इनको बातचीत करने के बहाने से सुनसान स्थान पर लेकर के गए जहां पे इनको गोली मारी गई और लड़की को भी गोली मारी और उसकी डेड बॉडी घर में ही छिपा दी थी। पुलिस का दबाव देखते हुए डेड बॉडी को ये कहीं भी डिस्पोजल नहीं कर पाए। गुमशुदगी जानबूझकर प्लान के तहत ऑनलाइन रजिस्टर कराई। इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो समस्त खुलासा हुआ। इस प्रकार के संबंधों को इनके लड़की के परिजनों को स्वीकार्य नहीं था और इन लोगों ने लड़की की भी हत्या की और लड़के की भी हत्या की। इस संदर्भ में जो संलिप्त अपराधी गण थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है या अन्य बिंदु है, अन्य लोगों की संलिप्तता है या नहीं, इस संदर्भ में आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और शीघ्र ही उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए।